तो सहायक आचार्य और पुस्तकालय अधीक्षक एवं शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक कॉलेज शिक्षा विभाग परीक्षा 2023 आरपीएससी की ओर से परीक्षा का आयोजन। आपको बड़ी जानकारी दे दें कि अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर जिला मुख्यालयों पर परीक्षा का आयोजन और दोपहर 12 से 2 बजे तक परीक्षाओं का आयोजन। 7 जिला मुख्यालय के 602 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा के लिए लगभग 1,98,000 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण किया था, पंजीकृत हुए हैं। अभ्यर्थियों को परीक्षा के नियत समय से 1 घंटा पूर्व परीक्षा केंद्र पर पहुंचना अनिवार्य था और प्रत्येक केंद्र पर 2 वीडियोग्राफर मेटल डिटेक्टर से जांच के बाद ही केंद्र में प्रवेश और प्रत्येक 6 परीक्षा केंद्रों के लिए एक सतर्कता दल का गठन। आपको जानकारी दे दें कि केंद्राधीक्षकों के द्वारा लॉटरी सिस्टम में कक्षा में शिक्षकों को नियुक्ति और परीक्षा के चलते जब बता दें कि आज आयोजित हो रही आरपीएससी की भर्ती परीक्षा को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी शुभकामनाएं दी हैं और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुभकामनाएं दी और सहायक आचार्य, पुस्तकालय अध्यक्ष और शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक की परीक्षा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बधाइयां दी और कहा, परीक्षा में शामिल होने वाले समस्त अभ्यर्थियों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी बिना किसी तनाव और दबाव को महसूस किए एकाग्र होकर मन लगाकर परीक्षा दीजिए। आपका परिश्रम अवश्य फलीभूत होगा और निश्चित ही सुखद परिणाम प्राप्त होंगे। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। आपणो अग्रणी राजस्थान। और आपको बता दें कि इस परीक्षा को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा परीक्षार्थियों को शुभकामनाएं दी हैं और कहा कि आप एकाग्र होकर परीक्षा दीजिए बिना किसी तनाव, बिना किसी दबाव के। और अधिक जानकारी के लिए सहयोगी शुभम हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शुभम, देखिए आरपीएससी की ओर से परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, 7 जिला मुख्यालय में 602 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, क्या कुछ जानकारी आपके पास, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी परीक्षार्थियों को शुभकामनाएं दी है, तो ऐसे में जानकारी साझा करें। जी बिल्कुल, देखिए जो आज राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा सहायक आचार्य, पुस्तकालय अध्यक्ष एवं शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक कॉलेज शिक्षा विभाग की परीक्षा का आयोजन किया गया था और भजनलाल सरकार की पहली परीक्षा आयोजित की जा रही है जिसके अंदर 1,98,000 लमसम जो अभ्यर्थी है वो पंजीकृत थे। परीक्षा सुबह 12 बजे चालू होगी दोपहर में और कुछ ही देर के अंदर परीक्षा संपूर्ण होगी, लेकिन 11 बजे ही परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों को पहुंचना था जिनमें प्रवेश दिया गया और कड़ी सुरक्षा के इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं। प्रदेश के अंदर 7 जिला मुख्यालयों पर ये परीक्षा आयोजित की जा रही है, अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा व उदयपुर जिले के अंदर जो मुख्यालय है वहाँ पर ये परीक्षा आयोजित की जा रही है। परीक्षा को लेकर के लंबे समय से इंतजाम से चल रहे थे कि किसी भी तरीके से परीक्षा सफलतापूर्वक पूरी होनी चाहिए और उसी को लेकर के तमाम जिलों के कलेक्टर व एसपीओ से समन्वयक बैठा करके सुरक्षा इंतजामों को बढ़ाया गया। वहीं जो सुरक्षा एजेंसियां हैं एसीबी, एसओजी, एटीएफ, इनको भी अलर्ट बोर्ड पर रख रखा है और अगर इन्हें कोई भी सूचना मिलती है तो ये तुरंत कार्रवाई करने के आदेश न दिए जा चुके हैं। लेकिन मैं आपको एक बात तो बता दूं कि परीक्षा के लिए पंजीकृत 1,97,766 अभ्यर्थी थे लेकिन परीक्षा के अंदर कुल 98,470 अभ्यर्थी ही शामिल हुए हैं। करीबन 49.79% अभ्यर्थी ही परीक्षा के अंदर शामिल हुए हैं। सबसे ज्यादा जयपुर के अंदर 56.67% अभ्यर्थी शामिल हुए तो वहीं उदयपुर में सबसे कम 33.86% अभ्यर्थी शामिल हुए। वहीं अजमेर के अंदर 58.52%, भरतपुर में 48.39%, बीकानेर में 54.28%, जोधपुर में 56.56% और कोटा के अंदर 38.92% अभ्यर्थी शामिल हुए। करीबन 50% से भी कम अभ्यर्थियों ने ये परीक्षा जो है वो दी है और कुछ ही देर के अंदर ये परीक्षा जो है वो समाप्त होगी। हालांकि अभी तक प्रदेश भर में जो 7 जिलों में परीक्षा आयोजित हो रही है वहां से किसी तरह की कोई सूचना नहीं आई है, ना ही कोई मुन्ना भाई की, ना ही कोई नैकल्पिक ग्रोह को लेकर के, क्योंकि लगातार आरपीएससी सरकार के यही प्रयास है कि सफलतापूर्वक शांतिपूर्वक परीक्षा को संपन्न कराना है तो उसका ध्यान में रखते हुए तमाम फोर्सों को तैनात किया गया। हर जगह पर जो पुलिस की ब्रीफिंग की गई, इंटरनेट बंद किया गया। इंटरनेट बंद होने से जो कम्युनिकेशन होता है वो कम्युनिकेशन पर कहीं ना कहीं ब्रेक लग गया और नेट बंदी की अगर बात की जाए तो 11 बजे से नेट बंदी करनी थी लेकिन जो नेट बंदी थी वो सुबह 9 बजे से ही अधिकांश जिलों के अंदर देखने को मिली जहां जहां पर परीक्षा होनी है वहां पर। तो नेट बंदी होने से हालांकि लोगों को आमजन को परेशानी तो हुई है लेकिन परीक्षा कहीं ना कहीं अब सफलतापूर्वक संपन्न होती नजर आ रही है। आधा घंटे का समय और बचा है, आधा घंटे बाद परीक्षा संपूर्ण होगी लेकिन परीक्षा में मात्र 98,470 परीक्षार्थी ही शामिल हुए और 49.79% ही परीक्षार्थी जो परसेंटेज आया है वो परीक्षार्थी शामिल हुए हैं। देखना ये होगा कि ये परीक्षा का रिजल्ट कब तक आता है लेकिन अब जो परीक्षा है संपूर्ण होगी उसके बाद जो परीक्षा की जो उत्तर कुंजियां होती हैं
उनको आरपीएससी तक पहुंचाया जाएगा और कड़ी सुरक्षा के बीच स्ट्रांग रूम में उनको रखा जाएगा, जिससे और उनकी चेकिंग होगी और परिणाम भी तैयार किया जाएगा। बिल्कुल शुभम, देखिए और अगर नजर डाली जाए क्योंकि इस बार जो इंतजाम है वो मजबूत नजर आ रहे हैं, और जिस तरह से भी आपने जानकारी दी कि 11 बजे से जो थी नाइटबंदी थी, लेकिन अधिकांश जिलों में 9 बजे से इसका असर देखने को मिला था। अब कब तक ये जो नाइटबंदी है, क्योंकि खासा परेशानी इससे हो रही है, कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं रुका हुआ नजर आ रहा है, तो कब तक जारी रहेगी नाइटबंदी, उसको लेकर क्या जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए जो नेटबंदी का जो आदेश जो संभागीय आयुक्तों के द्वारा दिया गया था तमाम जिलों के, तो उन्होंने तो दोपहर सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक बंदी के आदेश थे, लेकिन जो नेटबंदी है वो सुबह 9 बजे से होगी, 2 घंटे पहले ही चालू कर दी। तो ये कारण भी यही रहा कि जो नकल की ग्रोह होते हैं, जो मुन्ना भाई होते हैं, उनको किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन नहीं मिल पाए, और 9 बजे से ही नेटबंदी होने का कारण ये रहा कि अचानक ये एक निर्णय आया और 9 बजे नेटबंदी कर दी, जिस कारण से आम जनता तो परेशान हुई, लेकिन नकल की ग्रोह के इरादे कहीं ना कहीं अगर होंगे तो वो विफल तो नजर आए, लेकिन परेशानी लोगों को हो रही है, और 2 बजे तक ये 2 बजे परीक्षा संपन्न हो जाएगी, उसके बाद ये बहाल वापस कर दी जाएगी व्यवस्था। बिल्कुल शुभम, बहुत बहुत शुक्रिया आपने जानकारी साझा की उसके लिए।